hello my dear students i'm here again with another video and in this video we are going to discuss about human made resources so without wasting much time let's get started सेस नाउ द नेम सजेस्ट दैट दैट रिसोर्स आर मेड बाई ह्यूमन ठीक है तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं वो रिसोर्सेज जो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं लेकिन प्रॉपरली इंसानों के द्वारा ही नहीं ठीक है इंसान अपने आप ऐसे ही नहीं बना लेता है। उसे भी नेचर की मदद चाहिए ठीक है देखते हैं कैसे एनी नेचुरल एलिमेंट दैट इज प्रोसेस्ड बाई ह्यूमन एफर्ट्स एंड मॉडिफाइड टू मेक इट यूजल इज कॉल्ड एन ह्यूमन मेड रिसोर्स तो कोई भी नेचुरल एलिमेंट हो सकता है कोई भी नेचुरल एलिमेंट हो सकता है लाइक like एयर हो सकती है वाटर हो सकता है लैंड हो सकती है कोई भी नेचुरल एलिमेंट हो सकता है जिस पर प्रोसेस होती है बाय ह्यूमन एफर्ट्स ठीक है ह्यूमन एफर्ट्स उसमें कंट्रीब्यूट होती है प्रोसेसिंग होती है या उसको मॉडिफाई करते हैं तो ये सब करने के बाद जो भी रिसोर्स बनता है उस एलिमेंट पर प्रोसेस करने के बाद जो आउटकम आता है उसे हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स ये जब प्रोसेस करने के बाद वो जो नेचुरल एलिमेंट होता है उस पर जब प्रोसेस होती है तो उसके बाद जो भी हमें आउटकम मिलता है वो हमारी कोई ना कोई नीड को सेटिस्फाई करता ही है अगर हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की बात करें तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पर दिए हैं ब्रिजेस हैं टर्नर है इलेक्ट्रिसिटी है बिल्डिंग है रोड्स है तो ये सब भी क्या ह्यूमन मेड रिसोर्सिस के एग्जाम्पल्स हैं ठीक है तो जैसे रोड की अगर हम बात करें तो नेचुरल एलिमेंट्स जो नेचर से एलिमेंट्स मिल रहे हैं उन पर प्रोसेस होकर ही तो रोड का कंस्ट्रक्शन होता है बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होता है है ना तो बनने के बाद ये हमारे लिए कितनी यूजफुल है है ना तो पहले तो ये सब नेचर के एक एलिमेंट्स ही थी जब इन पर प्रोसेस हुई ह्यूमन एफर्ट्स इस पर कंट्रीब्यूट की गई तब जाकर ये हमारे लिए रिसोर्स बनी और इसीलिए इनको कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स ओके वन सीमेंट इज मेड बाई प्रोपरली प्रोसेसिंग द नेचुरली ऑप्टेन एलिमेंट्स लाइक लाइम जिप्सम एक्सेट्रा इट इज कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्स यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आपको ह्यूमन मेड रिसोर्स का दिया है दैट इज सीमेंट तो सीमेंट कैसे बनता है सीमेंट इज मेड बाय प्रॉपरली प्रोसेसिंग प्रोपरली प्रोसेसिंग होती है तब जाके सीमेंट बनता है किस पर प्रोसेस होती है तो नेचुरली ऑप्टेंट एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स नेचर से हमें मिलते हैं उन पर प्रोसेस होती है यहाँ पर लाइम गिवन है जिप्सम गिवन है और भी कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं जो नेचर से हमें मिलते हैं मीन्स माउंटेंस पर पहाड़ वगैरह जो होते हैं उनको माइनिंग करके रॉ मटेरियल्स हमें वहाँ से मिलते हैं ठीक है माइनिंग करते हैं फिर रॉ मटेरियल्स जब मिलते हैं फिर उन पर प्रोसेस होती है ठीक है उनको क्रशिंग वगैरह करके जो भी उनकी प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के बाद सीमेंट बनता है ठीक है ये जिप्सम भी एक तरह का मिनरल है ये ये एक्चुअली इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि सीमेंट में एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी हो प्रॉपर्टी होती है वो मिलती है सीमेंट को किस से इस जिप्सम से ठीक है अगर जिप्सम की मात्रा कम हो ना तो सीमेंट में बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती बाइंडिंग नेचर नहीं होगा अगर ऐसा है ऐसा होगा तो जो भी बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट हो गए रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट होंगे तो वो लंबे टाइम तक नहीं टिकेंगे है ना तो इसलिए जिप्सम उसमें इसलिए ऐड किया जाता है ताकि सीमेंट को बाइंडिंग नेचर प्रोवाइड कर सके ठीक है आगे देखते हैं अदर एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर इलेक्ट्रिसिटी बिल्डिंग्स रोड्स ब्रिजेस टर्नल्स टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा ये सारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमन्स ऑल्सो चेंज द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू सूट their own needs अब लोग क्या करते हैं मीन ऑल्सो चेंज द स सरफेस ऑफ द अर्थ अर्थ का सरफेस भी चेंज करते हैं टू सूट देयर ओन नीड्स उनकी अपनी नीड्स को सूटेबल हो वैसी सरफेस वो चेंज करते हैं ठीक है दे यूज़ टेरस फार्मिंग इन द माउंटेनियस रीजन्स फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड मेक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इन रिवर वैली टेरेस फार्मिंग किसको कहते हैं यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिख रही हैं टेरेस फार्मिंग ठीक है कहाँ पर कहाँ पर होती है ये माउंटेनियस रीजन्स ठीक है पहाड़ी इलाकों पर होती है फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वहाँ पर भी एग्रीकल्चर होता है भले लैंड नहीं है माउंटेन है फिर भी एग्रीकल्चर होता है कैसे ये पिक्चर्स में आपको दिख रहा है ना ठीक है तो इसको कहते हैं टेरेस फार्मिंग आगे क्या है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इन रिवर वैली अब रिवर वैली क्या होती है वादियों के बारे में सबने सुना होगा है ना तो वैले मीन्स वादियाँ ठीक है अब यहाँ पर आपको रिवर वैले की पिक्चर्स देखते हैं इनको कहते हैं रिवर वैले ठीक है अब ये क्या है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स मतलब यहाँ पर डैम्स वगैरह लगाते हैं फिर आ, और भी कई सारी चीज़ें होते हैं जो वैले के प्रोजेक्ट्स में आती हैं ठीक है दस द दस द लिस्ट ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज इज लॉन्ग इसीलिए ही ह्यूमन मेड रिसोर्सिस की जो लिस्ट है वो कह रहे हैं काफ़ी लॉन्ग होती है ये जल्दी ख़त्म नहीं होती क्यों ख़त्म नहीं होती तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी चेंजेस करते रहते हैं या एलिमेंट्स को अपनी तरह से यूज़ करते रहते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इसलिए ये लिस्ट तो ख़त्म जल्दी नहीं होने वाली ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में And we will discuss in that video all details about human resources.